तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति काशिका अचा परस्मिन् पूर्वविधौ पर निमित्त आदेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में पूर्वेण अनल विधो स्थानीव भाव पूर्व सूत्र से अनल विधि में स्थानीव भाव कहा है अल विधि के लिए यह सूत्र आरंभ है यहां पर आदेश स्थानीवत होता है ये वर्तमान है आदेश जो है स्थानीव होता है इसकी अनुवृत्ति आ रही है अचय स्थानीय निर्देशा परस्मिन निमित्त सप्तमी परस्मिन जो है वो निमित्त सप्तमी है और इस तरह से पूर्व विधो विषय सप्तमी ये सारी बातें बता दी पूर्व विधो विषय सप्तमी है परस्मिन निमित्त सप्तमी है पर को निमित्त मानकर पर यहाँ निमित्त लिया गया है और जो निमित्त सप्तमी होती है एक प्रकार से विषय सप्तमी होती है परस मिन निमित्ते सति पर निमित्त के होने पर सत सप्तमी होती है पर निमित्त के होने पर जो अजादेश वो स्थानीयत होता है पूर्व विधि विषय पूर्व विधि करने में यहां पर अजादेशा पर का पूर्व विदो करते हुए स्थानीव में एक वचन बोला जाता है एक वचन परिभाषा रूप समझिए या जो भी आप कहें उसको यो नादिष्ठा दचा पूर्व तथानीव भाव आप लिख भी सकते हैं यो नादिष्ठाद पूर्व तस्वीं प्रति स्थानीव भाव यो अनादिष्टाद पूर्व तस्विधि प्रति स्थानीव भाव तो इसका मतलब क्या होता है जैसे इस सूत्र के विषय में यह कहा जाए सामान्य रूप से कि पर निमित्त तक आजादे होता है पूर्व विधि करने में केवल इतना ही अर्थ रखा जाए तो एक समस्या आएगी क्या समस्या आएगी कि जैसे व्याकरण ऐसा होता है वी आ करण इको वी को इको एणसी ये करादेश हो गया ये नादेश हो गया व्याकरण बन गया उससे हम प्रत्यय लाए तद अदित तद वेद अण प्रत्यय अण के पर रहते वृद्धि करने लगे हम अण के पर रहते वृद्धि करने लगे तो वृद्धि में के स्थान में आई वृद्धि हो जाती है पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति बहुती जैसे बारिश जब होती है यदा मेघा वर्षती तदा यत्र तत्रापि वर्षति सरसी अर्षति कूपे भी वर्षती तड़ागे भी वर्षती समुद्रे भी सर्वत्र भी वर्षती तथा तथा यदा किमपि कार्यं तत् कार्यं यत्र आवश्यकता अस्ति भवति यत्र आवश्यकता नास्ति भवति सूत्रविधानसामर्थ्यात् पर्जन्यवत् इति लक्षणप्रवृत्तिविषये एकं वाक्यं श्रुतं पर्जन्यवत् लक्षणप्रवृत्तिर्भवति अपरमपि भवति परं प्रक्रियाद्वयमस्ति परजनीयत लक्षण प्रवृत्तिर् भवति अग्निवत् लक्षण प्रवृत्तिर् भवति अग्निरिय ददग्धं तद् दहति दग्धमेव न दहति यत् पूर्वतैव दग्धं जातं तद् न अदग दहति अदग्धमेव दहति परजनीयत लक्षण प्रवृत्तिर् भवति अग्निवत् लक्षण प्रवृत्तिर् भवति विपरीतं अस्ति एदा परजनीयत उच्यते तदा कार्य कार्यकृते सति लाभो भवेत् वा न भवेत् एतन्न चिन्तयेत एतन्न विचार्यते केवलम सूत्र प्रवृत्ति अवलोकन्यते यत् सूत्रं किं कथयति यदि सूत्रं विदधाति कार्यं करोति चेत् भवति न करोति चेत् न भवति परम अग्निवत् सूत्र प्रवृत्तिमेदा आलोचयामाः तदा तु यत्र क्वचित लाभो बहुति तदैव सूत्र कार्य करोति यदा पूर्वता एव आकार अस्ति एव तदा सूत्र किम प्रवर्तेत एवं विचार क्रिय तो व्याकरण इत्यत्र आकार से वृद्धि प्राप्त नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वतुताभ्याम सूत्रेण सप्तम अध्याये से द्वितीय पादे अस्त सूत्रम तो तेन यकार ये अभ्याम परस्य परचाय स्थाने वृद्धि न बहती अभ्याम ऐच आगमो भवती यकार, यकार वकार से परिवृद्धि नहीं होती किंतु ऐच का आगम हो जाता है ऐच मनी ऐ और औ का आगम हो जाता है ऐसा कह रहे हैं ईकार आगम हो जाता है तो जब आई और औ का आगम करोगे आई और औ का आगम करोगे तो जैसे वकार से पूर्व में तो औ होगा यकार से पूर्व में आई होगा आई होने के बाद हमारे पास स्थिति आ गई वा आई याकरण यकार से पूर्व में आई आ गया तो व आई अपने अपनी कॉपी में लिख सकते हो वा आई याकरण ऐसा हो गया अब जो है अचापर्सन पूर्व दो ये सूत्र लगा दीजिए ये सूत्र ये कहता है पर निमित्त आजादे स्थानीव होता है पूर्व विधि करने में वा आई या आ करण ई के स्थान में यह आया ना यदि यह स्थानीवत हो जाए तो अच का धर्म से युक्त हो जाएगा अच दिखाई देगा ई को यह हुआ है आकरण ई को यह हुआ है अब इस यकार को यदि स्थानीवत कर दें यकार को स्थानीवत कर दें तो ई दिखेगा ना और ई दिखेगा तो आई को आयादेश होने लगेगा जो आई चागम किया है पूर्व में उसको आय आदेश होने लगेगा तो यह आय आदेश क्यों नहीं होता इस विषय में विचार करते हैं आय आदेश क्यों नहीं होता है तो ये विचार करते हैं कि आय आदेश इसलिए नहीं होता ये आय आदेश जो आई को आय आदेश है ना हजार प्रश्न पूर्व दो तो लग रहा है अपना काम कर रहा है तो यकार ई भी दिखा रहा है यकार को ई के रूप में भी हमारे सामने ला रहा है यकार को के सामने प्रस्तुत कर रहा है ऐसे है ना वी आकरण और व्य आकरण और ये व और ये आई और ये ये है इस तरह से आप देखिए ये स्थिति सामने मैंने लिख दी है व्य आकरण व आई य आकरण ऐसा आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो आदत ऐसी होनी चाहिए कि बिना भी ब्लैक बोर्ड के आप समझ ले अब तो खैर सुविधा है इसलिए थोड़ा आपको सुविधा हो जाए या मस्तिष्क में भी लिख दो गुरु विरजान जी पढ़ाते होंगे कैसे पढ़ाते होंगे उनको हैं तो लिखते थोड़े होंगे होते केवल बताते बताते होंगे तो करण अब अच्छा अचाप्रश्न पूर्वी तो देखिए आ को मानकर के ई को यह हुआ है ना आ को मानकर ई को यह हुआ है स्थानीय हो जाए तो ई के रूप में हमारे सामने आ जाएगा यह की जगह ई दिखेगा और यह की जगह ई दिखेगा तो फिर आई को आयादेश होना चाहिए चो यावा यावा। तो इसका उत्तर इसी पंक्ति में है जो मैंने कहा कोई भी अजादेश स्थानीवत नहीं होता है बल्कि पर निमितक अजादेश वही नि, पर निनिमितक अजादेश स्थानीवत होता है जो अनादिश से भी पूर्व में उसकी सत्ता होती है जिसको हम कार्य करने जा रहे हैं जैसे यहां आई को आदेश करने जा रहे हैं ना तो वो अनादिष्ट टच से पूर्व में नहीं है आदिष्ट टच और अनादिष्ट टच क्या होता है ई को जो ये, ये आदिष्ट स्थानीभूत अनादिश ट मानी स्थानीभूत अनादिश टच का अर्थ है अच क्या है स्थानीभूत ई और आदेश हुई हुई स्थिति क्या है यह और अनादिष्ट अच क्या है ई स्थानीय स्थानीभूतअ भी कहते हैं उसको अनादिष्ट अच भी कह सकते हो अनादेश अवस्था में जो अच है आदेश से पहले जो अच है आदेश तो यह है आदेश से पहले जो ई है अनादिष्ट अच से पूर्व में अकार नहीं है जिसको हम पूर्व में आदेश करने जा रहे हैं ना पूर्व में विधि करने जा रहे हैं वो जब ई को यह हो जाता है तब आई आकर के बैठता है ई को जब यह नहीं हुआ तब तो तो आई है नहीं तो अनादिष्ट से पूर्व जो है उसको कोई कार्य करना हो तो ही स्थानीयत होता है अन्यथा नहीं होता है। अनादिष्ट से पूर्व जो है उसको कोई कार्य करना हो तो स्थानीव हो जाता है अन्यथा नहीं होता तो यहां पर अनादिष्ट से पूर्व अहिकार नहीं है स्थानीभूत से पूर्व नहीं है अनादिष्ट से पूर्व एक ही बात है अहिकार नहीं है बाद में आता है तो इसलिए इसलिए स्थानीव नहीं होगा ये क्यों रखा गया ये नियम इसी के लिए रखा है ये अनादिश और इसका और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं जैसे अपी पचत की सिद्धि हम करते हैं ना यदि इस नियम को देखेंगे तो आपको बहुत ही संतोष महसूस होगा कि अच्छा ऐसा, ऐसा ऐसा भी है ये जो है जैसे पच धातु है और आगे आगे नीच प्रत्यय पच से नीच ले आए और उससे फिर लुंग लकार ले आए पाची धातु हो गई तो ऐसे लिखो आप पांच ऋणी चंग तय ऐसे अलग अलग लिखिए कई लोग ये पढ़ रहे हैं मेरे से फोन के ऊपर भी तो इनके लिए भी मैं बोलता रहता हूं कि कैसे पढ़ना है अ त ऐसी स्थिति होगी सामने है। तिप का जो तिप का इत लोप हो गया तय हो गया ना उससे तो कुछ आत्मपद में भी हो सकता है कोई अंतर नहीं पड़ेगा पर जो मूल बात है वो समझने ही समझाने की वो ये है कि पांच ई अ पांच ई अत ये ई नीच का ई है फिर इस नी का लोप हो जाता है ई अरटी पांच ई अत नेरिटी से नी का लोप हो जाता है अब दो कार्य प्राप्त हुए बहुत सारी बातें मुझे समझानी है एक घंटे में इतनी बातें इस सूत्र की तो बात बाद में चलेगी और ही बातें समझानी है मेरे को ये, इस स्थिति में ये बीच में से हट गया ने अब दो कार्य प्राप्त हुए हम चंगी सूत्र से दुर्वचन करें या फिर नो चंगी बुधाए हस्वा से ह्रस्व करें चंगी सूत्र कहता है चंके पर रहते धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन हो जाता है आजादी हो तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन होता है तो ये आजादी नहीं है अलादी धातु है प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है प्रथम एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है तो यहां पर सिद्धांत तो यही है कि भाई पहले उपदारस होता है अंतरंग दुर्वचन है परत्व से प्राप्त है पर अंतरंग तो बलवान होता है पूर्व सूत्र यदि अंतरंग हो तो वो बलवान होता है पूर्व होते हुए भी अंतरंग शास्त्र बलवान होता है तो यहां पर अंतरंग जो पाच है उपदा को बात कर दुर्वचन होना चाहिए लेकिन आचार्य ने ओनरी धातु को रिदित किया है धातु को रिदित किया है उससे एक बात जापित की है या हमको इनडायरेक्टली एक बात कह दी है जापक क्या होते हैं इनडायरेक्ट कथन होते हैं ना जापक जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में कोई बात कहनी होती है डायरेक्ट वे में तो ऐसा होता है कि यू कह दे कि भाई दुर्वचन और उपधारस्व में पहले उपदारस्व होता है ये डायरेक्ट कथन होता है जब अपने कंठ से ही वो ऐसा कहते कि दुर्वचन और उपधारस्व की प्राप्ति हो तो उपधारस्व कर लेना ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं हमें समझना होता है कि यहां पर क्या है हमें समझना यह है उनके व्यवहार से समझना होता है कि वो क्या चाहते हैं तो फिर वो इंडायरेक्ट कथन हो जाते हैं इसलिए ज्यापक एक प्रकार की व्यंजना जैसे काव्य में जो व्यंजनाएं होती है ना ध्वनि काव्य बोलते हो तो वो स्थिति आ जाती है काव्य में व्यंजना आती है जैसे कोई कहे गतम कह कि भाई सूर्यास्त हो गया तो इसका मतलब है कि अब अपने काम समाप्त करो अब और जो कर्तव्य है सूर्यास्त के समय वो पूरा करो संध्या आदि करो तो मूलक व्यंजना भी होती है मूलक व्यंजना भी होती है व्यंजना जो है सीधी सीधी अभिधा से भी निकलती है कभी कभी लक्षणा से भी निकलती है जैसे गंगायम घोषा यदि कहे तो ये मूलक व्यंजना होगी कि इसका घर तो भाई बड़ी पवित्र जगह में है बड़ी ठंडी सीता लहरों के पास है तो ये लक्षणामूलक व्यंजना है गंगाएम घोसा बताने में तात्पर्य नहीं है उसका कि गंगा में गंगा के पास झोंपड़ी ये बताने में तात्पर्य नहीं है बल्कि तात्पर्य इस बात में है कि इसका घर तो व्यंजना में तात्पर्य होता है ना तो ये ज्यापक होते हैं ये तात्पर्य होते हैं तात्पर्य है से कुछ बात ध्वनित कर होती रहती है तो यहाँ पर औण्री धातु का रिदित करण इस बात को संकेत देता है हमें बताता है ओणरी धातु का रिदित करण ज्ञापक बनता है कि बहिरंग उपधारस्व बलवान होता है यहां पर अंतरंग दुर्वचन की अपेक्षा जैसे यहां अंतरंग दुर्वचन भी पाता है पांच को पांच पांच लेकिन बहिरंग उपधारस्व बलवान होता है बहिरंग उपधारस्व यदि बलवान है तो ऑनरी धातु के रिदित करण से अब ऑनरी धातु के रिदित करण में ऐसी क्या बात कह रखी वो समझनी पड़ेगी ना ऑनरी धातु का रिदित क्यों किया हरेक अनुबंध का कोई ना कोई प्रयोजन होता है और वो हमें धातुओं के लगभग बीसों अनुबंध है धातुओं के साथ जुड़े हुए बीस लगभग अनुबंध है उनके सबके प्रयोजन प्रत्यय और धातु इन दो के साथ में ही ज्यादा अनुबंधों का प्रयोजन होता है या प्रयोग हुआ है जैसे धातु उदाते उदातित वाली अनुदातित वाली स्वरित वाली फिर आदित फिर ईदित ईदित फिर उसके बाद उदित उदित रिदित रिदित या रिदित भी एक प्रयोजन ढूंढना पड़ता है रिदित लिदित फिर धातुएं होती हैं ग फिर होती हैं है द्वित ईत फिर इरित होती हैं और फिर शीत इत फ जैसे और ढेट पाने जैसे टित है और कुछ धातु सामान्य ग्रहण के लिए एक स्मरण इण गु एक धातु है इण धातु है कुछ विशेषणार्थ होती हैं कुछ ऐसे ऐसे होती हैं फिर कुछ में लगभग ये हो गई ना धातु में है ओदित वो तो एदित ओदित नहीं आया रिदित रिदित एदित ओदित ये भी अनुबंध होते हैं धातुओं के साथ जुड़े हुए एदित ओदित हैं स्वर मतलब लगभग स्वर में आई और औ नहीं अनुबंध के रूप में प्रयोग हुए हैं आई और औ नहीं तो उदात्त अनुदात्त स्वरितेत आदित आदित सूत्र लगेगा इदित इदितो नम इदित स्वीदितो उदित उदितोवा वा दीर्घ उदित स्वर्ति सुति स्वीति और रिदित यही नागलोपी शास्त्री में इसका काम हुआ है रिदित पुषादी दुता लिदा परसमी पदेशु और एदित हम्यंतक्षण स्वस्थ जागरणी स्वेदिताम उदित उदित एदित होती है तो में परे हो तो वृद्धि का निषेध हो जाता है कटे रगे लगे आदि धातु होती है ना अकटित अगर अरगित अलगित आदि बनते हैं और इत धातु स्वर्त कर्तृ प्राय क्रियाफले और गीत धातु अनुदात गीता आत्मनिपदम और इरित धातु इरितोवा और ट्वित धातु टीतो थुस द्वित धातु डीता कत्री ईत धातु ईतकत और ईत धातु ईतकत और शीत धातु शीत विदादी व्योंग और टित धा धातु हो उसका टित उसमें चला जाता है समुदाय में चला जाता है परिभाषा है अवैव कृतम लिंगम समुदाय से विशेष कम भवती है वो जो धेट काटित है ना वो वहां चला जाता है तो ऐसे ये धातुओं के अनुबंध है जो मैंने आपके सामने निवेदन किए ऐसे ही प्रत्यु के अनुबंध है बहुत सारे जैसे प्रत्यय कित होते हैं खित होते हैं गीत होते हैं घीत होते हैं गीत होते हैं चित होते हैं जीत होते हैं इत होते हैं इत होते हैं डित होते हैं टित डित टित होते हैं क्रम से मैं जा रहा हूं तीत होते हैं नित होते हैं पित होते हैं मित होते हैं और रित होते हैं लित होते हैं और शीत होते हैं शीत होते हैं शीत होते हैं और उगित होते हैं इतने सारे उक में जो है उ री, री उ और री दो अक्षर लेते हैं री प्रत्यय को उदित नहीं रखा है उ जैसे मतु प्रत्यय भवतु शब्द है तवतु प्रत्यय है उगित है और प्रत्ययों में री भी अनुबंध कहीं रख सकते हैं सत्री प्रत्यय जैसे रखा है हम्म तो इस तरह से ये प्रत्यो के अनुबंध होते हैं ये और जैसे आगम के लिए टित -कित -मित रखे हैं आदेश के लिए गीत और शीत रखे हैं ये बहुत थोड़े थोड़े हैं आगम टित -कित -मित होते हैं कुछ आगम ऐसे होते हैं जैसे आई चागम हो रहा है ये टित -कित -मित नहीं है पर आगम कह दिया है कथन कर दिया है ना इससे पूर्व होवे तो प्रत्यु में ये सब अनुबंध होते हैं और आदेश में कुछ आदेश एकाल होते हैं तो अलोनते लग जाता है अनेकाल होते हैं तो वहां अनेकाल से सर्व आदेश होते हैं गीत आदेश होते हैं गीत से ये अनुबंधों का एक पूरा जाल आचार्य ने बिछाया है कुछ कार्य करने के लिए अलग अलग अनुबंधों का पूरा जाल बिछा रखा है ये प्रत्यो के साथ जो अनुबंध जोड़े हैं ना उसके दो प्रयोजन है एक तो स्वर के लिए बहुत ज्यादा प्रत्यो के अनुबंधों की आवश्यकता हुई स्वर करने के लिए ना जैसे नित्यम चिता लीति प्रत्यात पूर्व उदातम भवती ऐसे करके प्रत्यात प्रत्यात्त सुपित प्रत्यात पूर्वम ऐसे करके ये अनुबंधों के बहुत सारे प्रयोजन है और दूसरे दूसरे जो है कहीं वृद्धि करनी होती है चौड़ी थी कहीं कहीं पर वो करना होता है संप्रसारण करना होता है नाम की थी कहीं गुण वृद्धि निषेध करना होता है किंगति ये सब प्रत्यो के द्वारा उन्होंने व्यवस्था की अब यहां पर आ जाइए अपने प्रकृत प्रसंग में धातु का जो रिदित करण है उसका क्या प्रयोजन है तो कहेंगे ओण ई अ त ऐसे लिख लो ओ ई अः ओण धातु अच्छा हाँ ओण बोलिए ओ ओ नहीं ओण ई अलग अलग ऐसे मैंने लिख दिया है सुनने वालों के लिए लिख दिया है ये जो ये इनको तो कुछ समझ में बहुत मुश्किल पड़ेगा बिना देखे समझाने में बहुत कठिन है इसको मतलब अभी तो जैसे मैं लिख दिया तो बहुत सुविधा हो जाती है ना आप लोगों को समझने में पर जो सुन रहे हैं उनको तो दिक्कत हो ही रही होगी ओ ऐसा यहां पर है ना अब वही कार्य यहां पर दोहराइए चंगी से दुर्वचन प्राप्त हुआ और नो चंग सूत्र से नो चंग रस्वा सूत्र से रस्व प्राप्त हुआ अब यदि लगा करके मैं वाक्य पूर्ति करूंगा यदि दुर्वचन पहले आचार्य को अभिष्ट होता तो ओनली धातु का री अनुबंध व्यर्थ हो जाता है और व्यर्थ तो यहाँ पर कुछ है नहीं ना जो बात हम देख सकते हैं कि तो व्यर्थ हो रहा है उसको आचार्य भी देख ही रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए धातु का री अनुबंध है ना वो इसका प्रयोजन एक ही है कि चंग परगणी के पर रहते ओ को हृस्व हो है ना ये री अनुबंध का क्या प्रयोजन है करुणसी हरस्व से ओ को हरस्व हाँ घ के पर रहते चंग परगणी के पर रहते उपधार का धातु है इसका उपधा का जो ओकार है इसका जो निषेध है ये रियुबंध के कारण हो रहा है अब मैं ये कहता हूं यदि दुर्वचन चंगी सूत्र अंतरंग होने से दुर्वचन पहले होता है ना तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन होगा पहले यदि होता है तो द्वितीय आज को दुर्वचन होगा क्या दुर्वचन होगा दुर्वचन सी लगकर दुर्वचन 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 निमित्त जो आच है ना चंका है दुर्वचन निमित चंके अ को मानकर स्थानीव हो जाता है जब आजादी प्रत्यय को मानकर चंका है आजादी है आजादी प्रत्यय को मानकर जो आजादेश हुआ है ना ई का लोप ई का लोप वो स्थानीव हो जाता है दुर्वचन मात्र करने के लिए तो यहां पर दुर्वचन मात्र करने के लिए यदि आप इसको स्थानीव कर देते हैं और दुर्वचन करते हैं तो नी, नी, अ, त ऐसी स्थिति बनेगी ना नी, नी। उत्तरखंड में दोबारा नी लग जाएगा तो ऋणी ऐसी स्थिति बनेगी अब चंग परकणी के परे रहते प्रत्ये प्रत्यलक्षण से से जो है लोप करने के बाद भी हमें कार्य दे, दे दे उसका लाभ मिल जाता है चंग परकणी के पर रहते उपधारस्व का क्या कहेगा वो चंग परकणी के परे रहते अंग की उपधा को ह्रस्व नहीं होता तो ये आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि दुर्वचन पहले हो जाता है उपधा में वो मिलेगा ही नहीं आप देख लीजिए आप लिख लीजिए ओ त अब चंग परकणी के पर रहते उपधा में ओ मिलेगा ही नहीं देख लीजिए उपधा में क्या मिलेगा चंग परकणी के पर रहते उपधा में क्या मिलेगा ई मिलेगा ना ओ नी ने आ, नी का इकार जो उत्तरखंड में है उसका ई तो चला जाएगा लू तो ने तो ओणी चंग परकणी के पर रहते ये जो उपधा में ई मिल रहा है ओ को तो वो तो दूर चला गया तो ये परिस्थिति ये चीज आचार्य को भी तो दिख रही है ना दिखते हुए भी उन्होंने रियनमंद लगा दिया है ना दिख रही है फिर भी रियनबंद लगा दिया इसका मतलब क्या सोच करके लगाया ये देखना पड़ता है क्या सोच करके लगाया जो सोच करके लगाया उसको उनके मन में से निकाल करके लाना पड़ेगा तो बोले वो ये सोच करके लगाया कि मैं यहां पर जहां ऐसी परिस्थिति बनेगी ना वहां पर मैं दुर्वचन से पहले उपधारस्व करना चाहूंगा दुर्वचन करने से पहले मैं उपधारस करूंगा आप देखिए ओण ई ए आप दुर्वचन मत कीजिए ओण ई ए इस स्थिति में ही इस स्थिति में ही मैं उपधारस्व करूंगा दुर्वचन किए बिना तो अब इस स्थिति में यहां पर बताओ उपधा जो ओ है इस में, उपधा में जो ओ है इस ओ को पाता है या नहीं पाता है तो उसको रोकने के लिए रियनुबंध लगाना होगा या नहीं होगा लगाना पड़ेगा सार्थक हो गया ना और ज्यापक का स्वार्थ में प्रयोजन और अन्यत्र दोनों जगह यदि फल नहीं दिखा सकते तो ज्यापक पूरा नहीं होगा ज्यापक की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है तो स्वार्थ में प्रयोजन क्या हुआ कि ये रिदित करण सार्थक हो गया ना। री अनुबंध यदि नहीं लगाते तो यहां उपदारस हो जाता है यदि पहले उपदारस होता है तो माँ भवान उणीणत बनने लगता है रूप तो उणीणत बनता है और बनने क्या लगता है माँ भगवान अनिष्ट रूप बनने लगता है मां भगवान मांग के युग में अट आठ मना हो जाता है ना मां इसलिए लगाते हैं कि आप माँ नहीं लगाओगे ना तो आठ आगम होगा और आठ अस्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर आप उप पहले करो बाद में करो कुछ अंतर नहीं पड़ता है जैसे आठ है ना आठ होने के बाद आठस से वृद्धि यदि होगी तो आप उप पहले करो बाद में करो कुछ अंतर नहीं पड़ता है वृद्धि हो जाती है इसलिए माँ भवान भेद दिखाने के लिए कि जब माँ भवान प्रयोग करते हैं तो माँ भवान उणीनत प्रयोग ना हो उनत प्रयोग हो इसके लिए री अनुबंध का प्रयोग किया है उन्होंने अब जापक का नेत्रफल फल क्या है अन्यत्र फल ये जो ये जो है ना पांच धातु पांच वाली जो स्थिति है ना यहाँ आ गया अब इतने से काम पीछा नहीं छूटेगा अभी मैं अगली बात भी कहूंगा यहाँ पर लाभ हो गया दो कार्य प्राप्त हुए उपदार भी प्राप्त हो रहा है और दुर्वचन भी पा रहा है तो इस ज्ञापक से क्या लाभ हुआ परत्व से उपदर्श हो गया पच बन गया फिर क्या किया पच पच दुर्वचन होकर के और सन्वल चंग परे नगलो पे अभ्यास को सन्वत भाव और और फिर से से इत्व दीर्घ सनवदी पचत रूप बन जाता है अब मेरा प्रश्न है दिखा आप लोगों में इस कोई जवाब दे सकता है या नहीं देख रहा हूं अब परीक्षा की घड़ी आ गई है आकाश जी देख देखा आप भी दे सकते हैं या नहीं ये यहाँ पर यदि हम अपिपचत में इसके लिए ज्यापक किया है ना इन्होंने आचार्य ने ज्यापक का प्रयोजन क्या दिखाया अपिपचत के लिए मैं ये कहता हूं कि अपिपचत में पहले यदि हम दुर्वचन कर लेते हैं तो भी क्या दिक्कत है दुर्वचन कर लेंगे पांच पांच और अभ्यास कार्य किया बन गया और हस्वा से पच बन गया उपदारस्व करके तो प पच अ तो लोप हो गया प पच ई त अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर यहां पर भी तो सनवल लगने चंग पर नगलो पे दीर्घ लगो सब सूत्र लग करके और अपीपचित बन जाएगा इसमें क्या दिक्कत हो रही है पहले और बाद का क्या फर्क पड़ता है समझ में आया कि जैसे हमने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसके लिए ज्ञापित किया है कितना बड़ा उन्होंने धातु का बनाया कि पहले होता है मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है आप पांच पांच दुर्वचन कर दीजिए फिर उपधारस्व कर दीजिए और उपधारस्व करके सनवल लघुनीचंग अभ्यास में ह्रस्व से हरस हो जाएगा पांच को फिर अभ्यास कार्य करेंगे तो सन लघुनी चंग परे पे और सन लघुनी चंग परे लो पे और कितने लोगों को आती है ये बात एक बार हाथ खड़ा करके तो मेरे को रेस्पॉन्स चाहता हूं हाँ जी ये एक स्वामी जी हाथ उठा रहे हैं आप लोग सब हाथ नीचे हैं आप लोगों के क्या चक्कर है नहीं बन रही बात मैं ये कह रहा हूं क्या फर्क पड़ता है ज्यापक क्यों निकाल रहा? ज्यापक क्यों कर रहे हैं इसके लिए ज्यापक क्यों बना रहे हैं ज्यापक के लिए री अनुबंध रखा ना तो मैं तो ज्यापक का खंडन कर रहा हूं मैं कहता हूं जहां की आवश्यकता ही नहीं है पांच पांच दुर्वचन कर देंगे ये क्या आवश्यकता है इसकी आप विचार कीजिए ओणरी धातु का तो झ्यापक है और ज्यापक का अन्यत्र फल ये है कि उप दस पहले हुआ करे यहाँ और मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है मैं तो ऐसे बोल रहा हूं ना इसकी जरूरत नहीं है पहले हम पहले हम दुर्वचन ही करेंगे और दुर्वचन करके अपने आप हो जाएगा उपदरस और अभ्यास में भी अरसवादी हो जाएगा सनवल लग्न आदि सूत्र लग जाएंगे तो इसमें क्या समस्या आ रही है और मैंने उत्तर दे दिया है आप लोगों को पहले ही उत्तर दे दिया ना इतनी देर से यही तो समझा रहा था योनाधिष्ठा दचा पूर्वा तस्वी प्रदि स्थानीव भाव है अच्छा अचाप दो सूत्र लग जाएगा और फिर क्या दिक्कत होगी वो जो उपधारस्व किया है ना हो जाएगा और वो लघु परे नहीं मिलेगा यदि हम दुर्वचन पहले कर देते हैं ना देखिए पांच पांच ऐसी स्थिति आ जाएगी पांच पांच ये स्थिति आ जाएगी ना तो पांच पांच अभ्यास में अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास आ जाएगा स्थानीय भूतच क्या है पांच को जो पच बनता है ना पच के लिए स्थानी भूत पांच है ना तो स्थानी भूत से पूर्व में हमको अभ्यास मिल जाता है जब दुर्वजन पहले हो जाता है स्थानीय भूत से पूर्व अभ्यास मिल जाता है तो उसको कार्य करने लगेंगे ना जब अभ्यास में संवित्वादि तो परिमित तक जो आजादेश है पांच को जो पच बना वो स्थानीव हो जाएगा और स्थानीव हो जाएगा तो लघु दात् परे नहीं मिलेगा चंग परगणी के पर लघु दात्व परे चाहिए लघु दात्व परे नहीं मिलेगा और अभ्यास को संवत्त कार्य नहीं होगा सं्यता इत्व नहीं होगा दीर्घ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा दीर्घो लघु में भी तो लघु अक्षर परे मांगता है ना वो भी नहीं होगा अपपचत रूप बनेगा अपी पचत चाहिए रूप बनेगा अपचत अप इसके लिए आचार्य ने ज्ञापक किया है, है? सन्नता कैसे हो जाएगा भाव होता है तब सन्न्यता होता है भाव ही नहीं होगा तो सन्न्यता कैसे होगा तो मैं ये कह रहा हूं कि अपपचत रूप बनेगा ना कि पचत नहीं बन पाएगा अपपचत रूप बनेगा तो इसलिए आचार्य ने इस बात के लिए धातु का करण ज्ञापक के रूप में रखा कि दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं उपधारस और दुर्वचन तो पहले उपधारस होता है बाद में दुर्वचन होता है इससे क्या लाभ हुआ पचत रूप बन गया कैसे कैसे जब दुर्वचन पहले नहीं होता है तो पांच इसी स्थिति में हो जाता है ना और रस हो गया और बाद में फिर हम द्व करते हैं पच पच दुर्वचन करते हैं तो अब आप देखिए अनादिष्ट तत्से से पूर्व अभ्यास नहीं है पांच इस स्थिति में खाली है ना पूर्व में पांच इस स्थिति में अनादिष्ट पूर्व हमारे को अभ्यास नहीं मिला है आदिष्ट होने के बाद पूर्व में अभ्यास आता है पच बनने के बाद अभ्यास आता है और पच बनने के बाद जब अभ्यास आता है तो क्या हो जाता है आदिष्ट से पूर्व जब अभ्यास आएगा तो अचापरसन पूर्व विधो सूत्र नहीं लगेगा और नहीं लगेगा तो वो जो पांच को पच किया ना वो स्थानीव नहीं होगा लघु दत्वासर परे मिलेगा अभ्यास मिलेगा और उसको भाव हो जाएगा सन्नता से ई हो जाएगा ठीक है इसमें किसी को कुछ बात समझ में ना आई हो तो बताओ इसमें ओनरी धातु का रिदित करण है अन्यत्र फल है और क्या बात है वैयाकरण वाली बात भी है हम यो ये जो परिभाषा है और ऐसे कितने बंद हची करत आदि कितने उदाहरण बनेंगे हजारों हजारों नहीं वो तो कर नहीं मैं ये करा हूँ कि और कितने उदाहरण बनेगा ऐसे है ऐसे बहुत सारी धातुओं में बनते हैं ना रूप अपी आदि सब में एक ही तो प्रक्रिया है नहीं हृदयकरण से तो ये बात निकली ना कि उपधारस्व अनादिष्ठ जुड़ रहा है ना इसके साथ यो दच ये जुड़ रहा है ना भाव करते समय सनवद भाव में संबद्ध हो रहा है योनादिष्टा दचा पूर्व तस् विधि प्रति स्थानीय भाव उससे पूर्व सनवद भाव करते समय नहीं नो चंग जो है वो तो बाद में सनवद भाव तो बाद में दुर्वचन के बाद आता है ना जैसे पांच पांच दुर्वचन कर लिया दुर्वचन होने के बाद नौ चंगी उपदाय रस्वा नहीं।, नहीं वो तो एक बार पहले कर लिया ना जैसे पांच को पच बना लिया अब हाँ। दुर्वचन किया तो अब नौ चंद्रधर से क्या लगेगा अच्छा प्रश्न अच्छा प्रश्न पाएगा पच पच ऐसा दुर्वचन हुआ अब पच पच दुर्वचन होने के बाद अच्छा प्रश्न पूर्वविदो ये सूत्र लगने लगेगा तो फिर मना कर देगा ये जो नियम हम योनादिष्टाद अच्छा पूर्वा� इसको मान लिया मतलब इस एक व्यवस्था दे दी अच्छा प्रश्न पूर्व विद्या के लिए एक व्यवस्था बना दी कि भाई अनादि तत् से पूर्व जो कोई विद्यमान है ना उसको कोई कार्य करेंगे तभी स्थानीयवद भाव होता है अन्यथा नहीं होता पर निमित्त का जादेश का स्थानीयवद भाव तब होता है जब अनादि तत् से पूर्व में जो है जैसे यहां पर पांच अनादिष्ट पूर्व में अभ्यास मिलना चाहिए तब उस अभ्यास को कोई कार्य करेंगे तो वो होता है क्या अचापर दो स्थानीय अनादिष्ट से पूर्व में यदि हम पहले ही कर ले तो से पूर्व तो अभ्यास है ही नहीं और यदि पहले हम दुर्वचन कर डालें और फिर उपधारस्व करते हैं दुर्वचन पांच पांच पहले कर लिया और फिर उपधारस्व करेंगे तो अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास मिल जाता है पांच पांच तो अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास मिल जाता है तो अभ्यास मिल जाता है तो फिर अचा प्रश्न पूर्व दो स्थानीव कर देगा जब आप अभ्यास को सनवत करने चलोगे तो अभ्यास को सनवत करते समय अचा प्रश्न पूर्व विधो ना लगे इसके लिए हमको पहले ही उपधारस्व करना पड़ता है न कि दुर्वजन करने के बाद उपधारस्व दुर्वजन करने के बाद उपधारस्व की जरूरत नहीं है पहले ही करना पड़ता है उपधारस्व जब हमने कर लिया पाच को पच बना लिया तो पच पच जैसे ही दुर्वचन किया तो यहाँ पर अचा प्रश्न पूर्व विधो प्राप्त होगा और उसको वो ये कहकर के बताना पड़ेगा कि अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास नहीं है इसलिए ये सूत्र यहाँ पर कार्य नहीं करेगा जब हम पहले उपदारस्व कर देते हैं तब की बात है पहले उपदारस्व कर देते हैं तो फिर भी अजा अचापर्शन पूर्व तो आएगा ना अपना काम करने पर्ण स्थानीय होता है पूर्व विधि करने में तो ये कहकर उसको हटाना पड़ेगा कि ये अनादिष्ट से पूर्व में अभ्यास की प्राप्ति नहीं हुई आदेश होने के बाद अभ्यास हमको मिला है तो ऐसी परिस्थिति में अचापर्शन पूर्व दो कार्य नहीं करता है ठीक है और ये उदाहरण दे रखे हैं इसके पटयत बहु खट तीन उदाहरण दिए हैं इन तीन उदाहरणों को पटुम आचष्टे तिणीची टीलोपे कृते पटुमाचस्टे प्रत्यक किया कद करोती तदाचे है टीलोपे एतस्मिन पूर्वस्य इति शेष लक्षणा ष्ठी टी लोपे कृत पटुमाचिच प्रत्यय किया जी और इनाविष्ट प्रातिपदिक से एक सूत्र लग जाता है वार्तिक अणी के पर रहते स्थन कार्य हो जाता है तो यहाँ नीच के पर रहते जब स्थन कार्य करोगे तो क्या लाभ मिलेगा लाभ मिलेगा छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का टे सूत्र है एक सौ पचपन नंबर सूत्र है टे सूत्र है और चौवन है आसु तो वहां से ये सुन की अनुवृत्ति आ रही है ये सुन के परे रहते रहतेमिच ई सुन के परे रहते क्या होता है टी भाग का लोप होता है तो यहाँ तो नीच है के परे रहते पता चल रहा है ना यहाँ तो नीचे स्थन के पर रहते वो होता है स्थन के पर रहते टी लोप होता है तो यहाँ तो नी है तो कैसे करेंगे ऋणाविष्ठवत प्रातिपदिक से नी के पर रहते स्थन कार्य होते हैं प्रातिपदिक को तो स्थन कार्य होने से टीलोप हो जाएगा है? तो इस तरह से पट बन गया पट और ई और आगे शब और आगे तिप पद विभज्यान व्याख्यान बोलते हैं एक क्रमेण अनुवाख्यान होता है एक पद विभज्यान व्याख्यान होता है एक वाक्य विभज्यान व्याख्यान होता है तीन अनुवाख्यान होते हैं ना क्रमेण अनुवाख्यान जो प्रथमा वृत्ति में सिद्धियां दे रखी हैं उसको क्रमेण अनुवाख्यान बोलते हैं और पूरे एक वाक्य को ही आप सिद्ध कर रहे हैं तो वाक्य विभाज्ञन व्याख्यान और एक ही पद को सिद्ध करके दिखा रहे हैं ना तो सारी चीजें इकट्ठी जैसे मैं ऐसे लिख करके दिखा देता हूं ना। ये त ऐसे करके दिखा देता हूं एक साथ तो इसको बोलते हैं पद विभाज्ञन व्याख्यान तो पद विभज्ञन व्याख्यान में मैं क्या बता रहा था कि ये जो पट ई अब का अप अब यहाँ पर में ती तो लगेगा नहीं सब है ना परे शीत प्रत्येक पर रहते क्यों नहीं लगता है पर रहते लगता है आर धातु नहीं है अब पट ई स्थिति में इन्होंने लिखा है कि नीचे टीलोपे करते नीच में टीलोप कर लिया और टीलोप कर लेने के बाद तस् स्थानीव तिलोप से स्थानीय उद्भाव जो तिलोप किया है ना पटु के उकार का उसके स्थानीय उद्भाव होने से निज के परे रहते अत उपधाया अंग की उपधाकार को वृद्धि होती है अंग की उपधाकार को वृद्धि नहीं होती है स्थानीय उद्भाव से यहाँ पर पहले दो स्टेप पहले स्थानीय आदेशा एक स्टेप अनल विदो दूसरा स्टेप और अचा प्रश्न पूर्व विदो ये तीसरा स्टेप दिखाते हैं पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है स्थानीव होता है स्थानीव आदेशो भवती आदेश जब होता है पटु का जो उकार है ना ये आदेश है लोभ भी आदेश माना जाता है लोभ को भी आदेश मानते हैं तो पटु का उकार जब स्थानीवत होगा स्थानीव होगा तो उकार दिखेगा और में आकार नहीं मिलेगा स्थानीवत होने से ये वृद्धि रुक गई पटायती रूप बनता है पाटायती नहीं बनता है हैं? उसके बाद अनल विधो आया उसने कहा कि अल विधि में तो स्थानीव नहीं होता स्थानीय रूप अल के द्वारा कोई विधि कर रहे हो जो उकार का लोप हुआ है ना वो स्थानीय रूप अल है स्थानीय रूप अल के द्वारा कोई विधि कर रहे हो तो पर निमित स्थानीव नहीं होता तो अल के द्वारा क्या विधि है यहाँ अतुदय वृद्धि तो उसमें यूँ बता दो कि त्याग पूर्व उपधा जब आप उपदा संज्ञा करोगे तो अंतिम बल से पूर्व को उपधा बताना चाहोगे ना तो तो वो स्थानीव होकर के पूर्व में उपधा संज्ञा कर रहे हो उपधा संज्ञा या उपधा के स्थान में वृद्धि जैसे यहाँ पर अलोन्त्याग पूर्व उपधा अल से पूर्व में कोई विधि करनी हो तो आजादेश स्थानीवत नहीं पर तो बाद में आएगी पहले तो बस अली विधि अल के पूर्व में विधि करनी हो तो स्थानीव नहीं होता इतनी बात कहेंगे अल से पूर्व में विधि हो तो स्थानीव नहीं होता तो स्थानीव नहीं होता तब तो आतु बधाई वृद्धि होने लगेगी फिर उन्होंने कहा कि अचापर सिंह दो पर निमित्त तक अजादेश स्थानीयत हो जाता है पूर्व में कोई कार्य करना हो तो इसलिए स्थानीयत होने से फिर वृद्धि रूपी कार्य नहीं होगा तो अभी तो मैं यहीं रुक रहा हूं कल फिर इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे ओ शांति 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 Música <coughs>